परसों हमने जो किया था टेंसेस का, तो आज हम टेंसेस को आगे बढ़ाएंगे। क्या करेंगे? टेंसेस, ठीक है? तो टेंसेस को हम आगे बढ़ाएंगे। परसों हमने पढ़ा था इंडेफिनेट, और आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट, प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट, और उसके बाद हम चलेंगे कंटिन्यूअस। किस पे चलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ये हो गया कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस कंटिन्यूअस का मतलब होता है, ये देखो, यहां देखो, कंटिन्यूअस के मतलब क्या होता है? जारी। जो जो चीज जारी होती है ना, जो चीज चल रही होती है, जैसे अभी आप पढ़ रहे हो, ठीक, आप पढ़ रहे हो ना, काम स्टार्ट हो गया है, मैं पढ़ा रहा हूं, जिस चीज में रहा हूं, आए रही हूं, आए रहा रहा या रही रही है, रहा है, ठीक है? तो उस जमाने को क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस। हाँ, तो कंटिन्यूअस मतलब वो जमाना जो जारी हो, जिसमें काम हो रहा हो। तो हम मैंने पहले ही आपको बोला था, सब्जेक्ट एक चीज होती है, जैसे आई, वी, यू, ही, शी, इट और दे, ठीक है? ये क्या है? सब्जेक्ट्स है। यहां हम सब्जेक्ट लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, प्लस क्या करेंगे? एम, ये पास्ट में नहीं आएगा, तो प्लस क्या लगाएंगे? फर्स्ट वर्ब, वर्ब प्लस क्या करेंगे? आई एम। और जो भी कंटिन्यूअस होता है ना, उसके आखिर में क्या होता है? आई एन जी। जैसे जैसे रीडिंग, राइटिंग, लाफिंग, टॉकिंग, वॉकिंग, डांसिंग, रीडिंग, सीइंग, स्वीजिंग, हियरिंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो जिस चीज के लास्ट में आए आई एन जी, उसका मतलब है वो टेंस कौन सा है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। लेकिन अगर इज उसमें इज एम आर होना चाहिए। क्या? एम इज या आर होना चाहिए। अगर उसमें वाज वर होगा तो इसका मतलब वो पास्ट कंटिन्यूअस है। क्या? उसका मतलब पास्ट कंटिन्यूअस है। अब हम सब्जेक्ट लगाएंगे यहां पे, जैसे सीधे डायरेक्ट हम सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या क्या होते हैं? जैसे आई, आई, वी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के हवाले से लगते हैं, या
इसके प्लूरल और सिंगुलर और प्लूरल, ठीक उस हिसाब से लगते हैं। तो आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सीधा ही सिंपली याद रखना है कि एम कहाँ लगता है, इस कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, ठीक है। आई एम हाँ, उसके बाद वर्ब लगेगी टी, जैसे आई एम आर, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, आई एम आर ई ए डी आई एन जी, रीडिंग, आई एम रीडिंग, मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़, ये इसका क्या आएगा, मैं अच्छा लिखा गया, अच्छा लिखना चाहिए, अच्छा लिखना चाहिए, क्या करना चाहिए, अच्छा लिखना, अच्छा लिखना, पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, वही वही के साथ लगेगा आर, आर क्योंकि जमा है, वी आर रीडिंग, वी आर रीडिंग, हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो यहां क्या लगेगा, हम हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, अच्छा ही के साथ इज लगेगा, ही इज तो ही तो पीछे लिखा हुआ है, हमें लिखने की जरूरत नहीं है, ही इज रीडिंग वो पढ़ रहा है, अब क्या है, वो लड़की हो तो शी इज रीडिंग, हाँ आप इसको कुछ भी कर सकते हो, जैसे शी इज रीडिंग, शी इज डांसिंग वो नाच रही है, शी इज लाफिंग वो हंस रही है, शी इज ईटिंग वो खा रही है, शी इज प्लेइंग वो खेल रही है, शी इज राइटिंग वो लिख रही है, शी इज थिंकिंग वो सोच रही है, शी इज डिसाइडिंग वो फैसला कर रही है, ठीक। यू के साथ क्या लगता है, यू के साथ आर लगता है, यू आर रीडिंग, अब वो शी क्या होता है, वो इसमें भी आएगा पढ़ रही है, वो पढ़ रही है, यू आर रीडिंग तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, अच्छा वो पढ़ रहे हैं, दे आर रीडिंग, और जब सेंटेंस खत्म हो तो हमेशा फुल स्टॉप डालना चाहिए, इसको बोलते हैं फुल स्टॉप, क्या बोलते हैं, फुल स्टॉप, इसका मतलब, फुल स्टॉप का मतलब होता है मेरी बात खत्म हुई, क्या जब कोई बात खत्म हो जाती है तो उसके बाद फुल स्टॉप लगाते हैं, राइटिंग में ऐसा आता है, ऐसे नहीं आप बोलोगे आई एम रीडिंग मेरी बात खत्म होगी, ऐसा नहीं होता, जब आप लिखते हैं लिखने में आप फुल स्टॉप डालते हैं, जब नुक्ता डालते हैं ये वाला, इसका मतलब मेरी बात खत्म हो गई, इतना ही बोलना है मैंने, तो दे आर रीडिंग वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, वो पढ़ रहे हैं, अच्छा।
It is reading. It is reading. It is reading. Reading. अब it जो है मैक्सिमम हम किस चीज के लिए इस्तेमाल करते हैं? बेजाम चीजों के लिए. किसके लिए? अब ये पढ़ रहा है मतलब क्या है? ये मतलब कोई बेजान चीज. जैसे कंप्यूटर होता है ना, बस कंप्यूटर. तो जब उसमें हम कोई चिप डालते हैं तो वो भी करता है रीड करता है डेटा रीड करता है. किसी भी चिप को वो रीड करता है, किसी भी डिस्क को वो रीड करता है. कोई भी स्कैन डिस्क डालेंगे हम उसमें उसको रीड करता है. कंप्यूटर भी रीड करता है, कोई बेजान चीज भी रीड कर सकती है. तो इट इज रीडिंग. जैसे मैं बोलूंगा माई कंप्यूटर इज रीडिंग द डिस्क. ठीक. तो ये पढ़ रहा है. ये पढ़ रहा है. बस इतना है. अब आप ये लिखना याद. सब्जेक्ट प्लस एम इज आ. इन तीनों में से एक चीज लगानी है, उसके बाद वर्ब लगानी है, उसके बाद आईएनजी लगाना है. तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पी प्रेजेंट प्रेजेंट कंटिन्यूअस 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 टेंस खत्म हो गया. ये खत्म हो गया. बस इतना ही आपने याद रखना है. आई एम रीडिंग मैं पढ़ रहा हूं. यू आर रीडिंग तुम पढ़ रहे हो. शी इज रीडिंग वो पढ़ रही है. ही इज रीडिंग वो पढ़ रहा है. यू आर रीडिंग तुम पढ़ रहे हो. दे आर रीडिंग वो पढ़ रहे हैं. दे आर रीडिंग वो पढ़ रहे हैं. इट इज रीडिंग ये पढ़ रहा है. तो या आई एम लाफिंग मैं हंस रहा हूं. यू आर लाफिंग तुम हंस रहे हो. We are laughing, हम हंस रहे हैं. He is laughing, वो हंस रहा है. You are laughing, she is laughing, वो हंस रही है. It is laughing, ये हंस रहा है. They are laughing, वो हंस रहे. तो हमने आगे इन्हीं चीजों को पीछे यही चीजें लगेंगी सारी और बीच में यही चीजें लगेंगी सारी. और आगे अगर आपने वर्ब चेंज करनी है, वर्ब को चेंज करोगे तो सेंटेंस भी चेंज हो जाएगा. ठीक है, समझ आई? सबको आई समझ? ओके, लिखो इसको.